नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं मैं बेटी हूँ। आज इस बेटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं। उस बेटी के बारे में ज्यादा कुछ मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। हम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्कूल के अंदर पहुंचे हैं आज इस बेटी से मुलाकात करने के लिए। ज्यादा कुछ आपको ना बताते हुए इस रिपोर्ट के जरिए मैं चाहती हूँ आप इस बेटी के बारे में ज्यादा जानें और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात इस बेटी से कराऊंगी। समाज के लिए कुछ करने की चाह, और ये चाह भी इतनी पक्की कि इसे पूरा करने के लिए इस बेटी ने अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, जिसके बाद इस बेटी ने जीएवी पब्लिक स्कूल की स्थापना की। ये स्कूल कहने को बाकी स्कूलों जैसा है, लेकिन इसे खास बनाती है हमारी आज की बेटी मनीषा कौशिक, जो इस स्कूल की प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को वो सिर्फ अपने स्कूल के अध्यापकों के ऊपर नहीं छोड़ती हैं, बल्कि खुद बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती हैं। ग्रामीण इलाकों के बच्चे आज के समय के साथ कदम ताल मिलाकर चल सके, इस दिशा में काम कर रही हैं। ये बेटी न सिर्फ यहाँ पढ़ने वाले बच्चों पर मेहनत कर रही है, बल्कि यहाँ पर काम करने वाले स्कूल स्टाफ को भी इंग्लिश के कुछ शब्द सिखाने का प्रयास करती है। हालांकि इस बेटी ने अपने इस स्कूल के लिए कितनी मेहनत की है, इसका अंदाजा आपको स्कूल को मिले इन अवार्ड से खुद ही हो जाएगा। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारी आज की इस बेटी से। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं आज की हमारी इस बेटी से, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर लगी इन फोटोज की तरफ देखें और इनसे आपको अंदाजा होगा मेहनत का जो ये बेटी करती हैं अपने स्कूल के ऊपर, और साथ ही उनकी जो तमाम उपलब्धियाँ हैं उसको लेकर कुछ फोटोज यहाँ पर जो है लगाई गई हैं। इसके माध्यम से आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि किस कदर मेहनत करके यहाँ पर वो इस मुकाम तक पहुँची हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाती हूँ मैं, और साथ ही आपको लेकर चलती हूँ प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर, क्योंकि आज की जो हमारी बेटी है वो इसी स्कूल की प्रिंसिपल है। तो हमारे साथ आज जो बेटी है उनका नाम है मनीषा कौशिक, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू सो मच। और कितने साल हो गए आपको इस स्कूल को लेकर, आपकी मेहनत जो है वो हमें नजर आती है बखूबी। हमने स्कूल स्टार्ट किया था 2013 में, तो 5 साल हो गए हैं स्कूल को शुरू। 5 साल हो गए हैं, कितनी मेहनत आपको इस स्कूल को एस्टेब्लिश करने में लगी? मेहनत लगी परिवार का, सोसाइटी का बहुत सहयोग रहा, और अभी और आगे चल रहे हैं, अग्रसर है और मेहनत की। चलिए, और आगे जो मेहनत है वो हम जानेंगे, और साथ ही परिवार का साथ तो मिला लेकिन चुनौतियाँ भी जाहिर तौर पर जो है कहीं आई होंगी, इसके बारे में आपको आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले साथ साथ सैर भी करते हैं आपके स्कूल की, जिसके लिए आपने 5 साल लंबी जो है मेहनत की है स्कूल को लेकर। तो स्कूल आपने शुरू किया, लेकिन जाहिर तौर पर चुनौतियाँ जो है वो भी कहीं आपने फेस की? बिल्कुल, चुनौतियाँ हर किसी अच्छे काम करने वाले के सामने आती ही हैं, और चुनौतियाँ आती रही, बट मेरे पति जो मेरे साथ हैं, एक संस्था के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ निभाया है, और शायद जितनी भी मुश्किलें हैं दोनों के साथ से वो आसान होती चली। कहते हैं कि एक पुरुष की तरक्की के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि आज मनीषा कौशिक अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पति को देती हैं। उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया। चलिए, हस्बैंड का साथ आपको मिला मनीषा जी, लेकिन क्योंकि आप पहले गवर्नमेंट सर्वेंट जो है गवर्नमेंट सर्विस में थी, लेकिन उसके बाद जॉब क्विट करना कितना मुश्किल था? मन में एक डिसीजन ले लिया था, निश्चय ले लिया था कि अब सोसाइटी के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी वो खुद प्रिंसिपल थी, तो उनको जो मैं देखती थी कि स्कूल को किस तरह से चलाना है, और ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उनके पास पढ़ाई के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इंग्लिश आना ज़रूरी है, और वहीं कहीं हमारे रूरल बच्चे या हमारे गरीब तबके के बच्चे इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, तो वहाँ पर उस तरह के स्कूल, उस तरह की सुविधाएँ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो वही एक मन में विश्वास था, लगन था कि मैं कर सकती हूँ, तो शायद गवर्नमेंट जॉब छोड़ने में इतना मुझे मुश्किल नहीं हुई। नहीं, आपको मुश्किल नहीं हुई गवर्नमेंट जॉब जो है छोड़ने में, लेकिन आपके परिवार वाले आसानी से मान गए थे, कन्विंस करना आसान था उन्हें? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब
का उतना लालच नहीं है, बट हाँ जो तुम्हारा सपना है, जो तुमने मन में सोचा है, जो तुमने करने की ठानी है, उसमें मैं तुम्हारे साथ जरूर हूँ। तो मुझे सच में कोई परेशानी नहीं हुई, ना घर वालों की तरफ से, ना मेरे अपने विचार के अकॉर्डिंग मुझे कोई परेशानी नहीं हुई गवर्नमेंट जॉब छोड़। चलिए, हस्बैंड का साथ जो है बहुत अच्छे मजबूत तरीके से मिला मनीषा जी को, लेकिन साथ ही मनीषा जी, क्योंकि आपने कहा कि आप चाहती थी कि जो बच्चे हैं जिन्हें झिझक रहती है कि इंग्लिश बोलना हो, या एक वो स्टैंडर्ड जो आज बन गया है उसके साथ मैच करना जो है ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए भी आप बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि घर में बच्चों को ग्रामीण अंचल की वजह से वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो शायद शहर के बच्चों को या पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को मिल पाता है। तो यहाँ पर ज़रूर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में, कॉलेज में हम ऐसी प्रतिभाओं को भी बुलाते हैं जो आकर बच्चों को मोटिवेट कर सके, क्योंकि जो भी बच्चा देखता है, जो भी बच्चा ऑब्ज़र्व करता है, उससे बहुत कुछ सीखता है। किताबी ज्ञान ऑफ कोर्स अपनी उसकी एक अपना एक अलग महत्व है, मगर जब हम देख कर सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीखते हैं, एक प्रेरणा स्रोत रहता है। तो उसके लिए हमने अपने स्कूल में बहुत सारी प्रतिभाएं भी बुलाई हैं, टीचर्स भी हमारे सारे शहर से आते हैं ताकि बच्चों को इंग्लिश में ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही मोटिवेट करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही एक आउटर से एरिया में जो है ये स्कूल बना हुआ है, जहाँ पर हालांकि ग्रामीण इलाका ये है जहाँ पर ये स्कूल है, और ऐसे एरिया में बच्चों को एक वो हाई स्टैंडर्ड लेवल कहें या एक जो इंग्लिश स्टैंडर्ड है उस तक मेंटेन कराने की कोशिश जो है वो मनीषा जी की ओर से उनके प्रयास हैं कि उस लिए वो जो है लगातार काम कर भी रही हैं। साथ ही जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थानी टच जो है वो आ जाता है बच्चों में, उसके लिए लैंग्वेज के ऊपर भी आप इन बच्चों के लैंग्वेज पर भी काम कर रही हैं। बिल्कुल, लैंग्वेज पर सुबह जैसे ही बच्चा मॉर्निंग में स्कूल आता है, मॉर्निंग असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्कूल लाइफ का, किसी भी बच्चे की लाइफ का, तो मॉर्निंग असेंबली से ही उसे वो ऑब्जर्वेशन और वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मॉर्निंग असेंबली में जो बच्चे होते हैं जो शायद अब इंग्लिश अच्छे से बोलना सीख गए हैं, प्लस जो टीचर्स, जो स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं, वो स्टेज पर रहती हैं, तो वो वहाँ से मोटिवेट करने को, बच्चे को वहाँ से शुरू हो जाता है। स्पेशल एक प्रोग्राम तैयार किया गया है जिसमें हर क्लास का हर बच्चा मॉर्निंग असेंबली में आकर बोलेगा, और जब कोई बोलता है, कोई स्टेज पे आ जाता है, तो वो उसकी हिचक खुलती है। तो वहाँ से ये प्रोग्राम शुरू होता है, उसके बाद क्लासरूम प्रोग्राम बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा इंग्लिश पे पुरजोर रहता है। CBSE एफिलेटेड स्कूल है, तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो सारी चीज़ें इंग्लिश के अराउंड तो घूम रही हैं। और साथ ही एक बहुत ही स्पेशल बच्ची है स्कूल की, जिससे आपको मिलवाऊंगी थोड़ी देर बाद मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने सुना है कि आपके जितने यहाँ पर सर्वेंट जो हैं, जो साथ में काम करते हैं, स्कूल का जो स्टाफ है, उनके साथ भी आपने काफ़ी कोशिश की है, उनको भी इंग्लिश सिखाने की कोशिश की है आपने। बिल्कुल, अवंतिका, जितना भी मेरा स्टाफ है उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है स्कूल के बाद, तो उन्हें मोटिवेट किया है कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, वहाँ से शुरुआत करके फिर जनरल बेसिक सेंटेंसेस छोटे छोटे वो उनको सिखाए हैं। जो मेरी मेड है उसको शाम को मैं एक घंटा लेकर बैठती हूँ, पहले उसकी हिंदी से शुरुआत कराई थी, आजकल वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीख रही है, बोल पाती है इंग्लिश में, अभी शायद लिखना भी सीख जाएगी। तो ये मेहनत आप करती हैं, ये जुनून जो है ये ज़ाहिर तौर पर आपके अंदर है, जो चाहते हैं आप कि सभी जो हैं, जो चीज़ें हैं जो सभी को मिल रही हैं, बाकी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको मिल रही है, वो इन सभी को भी मिल, सभी को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा प्रयास है, तो यही मेरा सपना है। यही आपका सपना है, आगे क्या कुछ और किस तरह के प्रोग्राम्स आप शुरू करने वाले हैं? अभी तो अवंतिका हम इसी ओर अग्रसर हैं, और इसी में हमें एक बड़ी सफलता की ओर मन है कि इसमें सफलता पाएं, और कुछ बच्चे और जानवी जैसे, शायद आप मिलवाएंगे भी उनसे अभी, तो जानवी जैसे बच्चे हम और बना पाएं जो आगे लाइफ में और बच्चों को मोटिवेट करें। देखिए, जानवी का नाम तो मनीषा जी ने ले ही दिया है, जो मैं अभी सस्पेंस रख रही थी यहाँ पर, लेकिन जानवी कौन है वो मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी उससे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, मैं बेटी हूँ मैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं DAV पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा कौशिक जी। मनीषा जी, ब्रेक से पहले आप सस्पेंस तो हमारा खत्म कर ही चुकी हैं कि आपके स्कूल की ही छात्रा है जानवी,
तो जानवी को मैं चाहूंगी कि जानवी जो है एक बार हमारे साथ इधर आ जाएं, सबको हेलो बोल जाएं। जानवी बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी जानवी के बारे में अभी, तो ये है जानवी। हेलो जो से हाय टू एवरीवन। हेलो। तो जानवी इसी स्कूल की छात्रा है और साथ ही मनीषा जी जो है उन्हीं से पढ़ी है जानवी, उन्हीं की सानिध्य में जो है जानवी ने पढ़ाई पूरी की है। लेकिन जानवी कौन है, जानवी क्यों इतनी स्पेशल है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड जो है वो हमारा देखना होगा। तो जानवी के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है बात करेंगे मनीषा जी। लेकिन साथ ही में सभी जो स्टूडेंट्स आपके जो देख रहे होंगे वो ये भी जानना चाहते होंगे कि जो मैम है, जो प्रिंसिपल है, वो हमें पढ़ाती तो है यहाँ पर, इतना समय वो देखती हैं, इतनी डेडिकेटेड हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी क्या हॉबीज़ हैं? अवंतिका, हॉबीज़ जरूर बना के रखनी चाहिए। ये सबसे पहले तो मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगी। मेरी हॉबीज़ है, आई एम एन एनिमल लवर, तो मैं डॉग्स के साथ टाइम बिताती हूँ, कुछ डॉग शेल्टर्स में भी जाती हूँ। एक डॉग मैंने रेस्क्यू करके यहाँ स्कूल में भी रखा हुआ है, चुंबक नाम दिया है उसको। छोटा सा था, घायल था, तब उसको लेकर आए थे स्कूल में, तब से वो यहीं। और चुंबक नाम कैसे दिया? चुंबक था कि वो चिपक गया शायद मुझसे। मैं स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, रास्ते में मिला, उठाया और फिर मन ही नहीं किया कि इसको यहाँ छोड़ा जाए, तो यहाँ पर है। और सभी स्कूल के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत लाडला है, तो एक CBSE में भी एक करिकुलम में ऐड ऑन करने की सोच रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स जो एक्ट है उसके अंडर एक एनिमल लविंग का एक कोर्स भी लेके आ रहे हैं CBSE में। तो मैंने कहा इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमारे स्कूल में ये एक रेस्क्यूड डॉग है। इसके अलावा शेल्टर्स, एक मेरा हॉबी है साइकिलिंग। अच्छा। तो मैं साइकिलिंग करती हूँ। अभी भी करते हैं आप? बिल्कुल, मैं अभी भी साइकिलिंग करती हूँ। गुड़गांव में रहती हूँ जहाँ, वहाँ से संडेज़ को, क्योंकि मुझे संडेज़ को ही टाइम मिलता है, तो संडेज़ को हम अपनी साइकिल्स उठाकर इंडिया गेट तक जाते हैं और इंडिया गेट से वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत हेल्दी हॉबी है। एक हेल्दी भी है, एंटरटेनिंग भी है और एक एग्जेम्पलरी भी है। तो उसी के तहत अभी स्कूल में भी ये प्रोग्राम शुरू करने की सोच रही हूँ कि संडे को क्यों ना इंडिया गेट जाने की बजाय यहाँ पर यहाँ की लड़कियों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ साइकिलिंग की जाए। तो वो एक प्रोग्राम अभी सोच रही हूँ कि शुरू किया जाए जल्दी। चलिए, साइकिलिंग एक आपकी बहुत हेल्दी हॉबी है और अच्छा है, साइकिलिंग जो है वो करनी भी चाहिए। और सभी जो डॉक्टर्स हैं ये भी सलाह देते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो बजाय मोटर व्हीकल्स को छोड़कर आपको साइकिलिंग की तरफ जो है रुख वो करना चाहिए। लेकिन साथ ही मनीषा जी, हम चाहेंगे, क्योंकि मैं बेटी हूँ, हमारा कार्यक्रम है, और ऐसे में उन तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत जो है आप भी हैं, क्योंकि आपने खुद मेहनत करके जिस बलबूते पर आपने स्कूल को एस्टेब्लिश किया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुए हैं, 2013 में स्कूल की स्थापना की गई थी, तो अभी तक बहुत कम समय में आप इस बुलंदियों पर लेके गई हैं। जानवी जैसी छात्रा इस स्कूल से निकली है, तो ऐसे में जो बेटियाँ हैं जो कुछ करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या संदेश दें? बेटियों के लिए सबसे बड़ा संदेश ये होगा कि इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं कि बच्चों को, लड़कियों को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से पहले जो एक स्टेप है वो है इमोशनली स्ट्रांग होना। और इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि खूब पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं करते और एक वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाते, तब तक फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का भी मोटिव नहीं रह जाता। चलिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण बात भी है। लेकिन मनीषा जी, कहते हैं कि हर आदमी की सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, यहाँ पर एक औरत की सफलता के पीछे उनके पति का हाथ है। जी बिल्कुल, प्रदीप जी ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट जॉब में थी, बहुत खुश नहीं थी, कुछ करना की इच्छा थी, कर नहीं पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे प्रेरणा स्रोत बने, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, जो आपको करना है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए, एक तरह से सोशल वर्क भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप चाहती थी कुछ बदलाव लाना और उसी के लिए जो है अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर आपने इसकी तरफ आप बढ़ी हैं। साथ ही सोशल वर्क आप पहले भी करते रही, आपने करीब 200 बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी है। बिल्कुल, जब मैं स्कूल नहीं ओपन किया था तब शाम के समय घर के पास 200 बच्चे, 200 से थोड़े कम बच्चे घर पे ही पढ़ाया करती थी, आसपास के अड़ोस पड़ोस के, उनको इकट्ठा करके एजुकेशन देना, इंग्लिश मीडियम ऑफ कोर्स। इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इंग्लिश आज की ज़रूरत भी है। लेकिन मनीषा जी, क्योंकि आप इतना सब कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, क्या कभी ऐसा हुआ बचपन से लेकर अब तक कि बेटी होने को लेकर आपको कुछ ऐसा महसूस करना पड़ा हो कि बेटियों को जो है आपको कहीं रोकने की कोशिश की गई? बिल्कुल अवंतिका, अगर अब बचपन के संसार में लौट जाऊँ आपके कहने से, तो मेरे पापा भी बहुत एक वरिष्ठ अधिकारी थे,
बैंक में वरिष्ठ अधिकारी के पोस्ट पे थे, मम्मी मेरी प्रिंसिपल थी और हम तीन बहनें और एक भाई थे। तो एक मानसिक या एक सोशल सामाजिक प्रेशर होता है शायद माँ बाप के ऊपर कि तीन लड़कियाँ और एक लड़का, तो कहीं ना कहीं मेरे पापा उन्होंने तो कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया, बट माँ के मन में शायद सामाजिक प्रेशर के चलते वो रहा कि तीन लड़कियाँ हैं, तीन लड़कियाँ हैं। तब मैं ये सोचा करती थी कि प्रिंसिपल होते हुए भी, खुद एक स्त्री होते हुए भी और इतनी सशक्त होते हुए भी कि मेरी माँ को ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक विचारधारा थी वो उनके दिमाग पे असर डाले हुए थी। तो यही सोचा था तब भी कि मैं शायद एक ऐसी बड़ी होकर इतनी स्वतंत्र स्त्री बनना चाहूँगी कि मैं अपनी बेटी को या अपने बच्चों को, जैसे स्कूल में सब बच्चे मेरे ही बच्चे हैं, उनके ऊपर ये सोच हावी नहीं होने दूँगी कि लड़की है तो क्या है? एक ये सोच आपने बताया कि आपकी माँ जो प्रिंसिपल थी, खुद उनके मन में भी एक ऐसी सोच थी कि बेटी होने का एक प्रेशर है, तीन बेटियाँ हैं। कभी आपको आपके भाई से कम करने की कोशिश की गई हो कि नहीं नहीं बेटा है वो, उसको करने दो ये काम, या ऐसा कुछ बढ़ावा दिया? देखिए, जैसा मैंने बताया, पिताजी की तरफ से तो कभी ऐसा रहा नहीं, पापा की तरफ से तो ऐसा रहा नहीं, बट हाँ मम्मी कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से इस तरह की सोच रखती थी। तो फील होता था कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। एजुकेशन, क्योंकि पापा थे, पापा कदम कदम पर साथ थे, तो एजुकेशन बिल्कुल भाई के बराबर मिली, सारी सुविधाएं भाई के बराबर मिली। बट हाँ, वो जो सोच है, वो सोच भी कहीं ना कहीं आपको क्रिपल डाउन करती है, कहीं ना कहीं आपको लड़की होने पर कहीं ना कहीं एक पछतावा फील करती है कि क्यों मैं लड़की क्यों हूँ, क्यों नहीं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी बहुत। इसके लिए हाँ बिल्कुल मेहनत करी, पढ़ाई में अव्वल आई और आगे चली। बेटी और बेटे में फर्क की बात हो तो इस बेटी ने बचपन में इस फर्क को खुद महसूस किया है। हालांकि आज ये बेटी सफल है तो देश की बाकी बेटियों को भी सफलता का मंत्र दे रही है। जब आप देखती हैं इतना सब आप कर चुकी हैं, लेकिन अब अगर उस जर्नी पर आप एक नज़र डालें, क्या आप कहेंगी कि आपको बेटी होने पर गर्व है? बिल्कुल अवंतिका, ये मैं कह सकती हूँ आज गर्व से सर उठाकर कि मुझे बेटी होने पर गर्व है। जब मैं शादी होकर अपने ससुराल में आई थी तो पर्दा सिस्टम था, घूंघट रखने को कहा जाता था। वो सब प्रथाओं को भी पीछे रखते हुए, अपने घर की महिलाओं को भी प्रेरित करते हुए, और आज स्कूल में अपनी बेटियों को, जो हजारों बेटियां स्कूल में भी पढ़ती हैं, उनको प्रेरित करते हुए आज मुझे फ़ख्र होता है कि मैं एक एग्जांपल हूँ, एक उदाहरण के रूप में उनके सामने खड़ी हूँ कि बेटी अगर चाहे, ठान ले, मेहनत करे, कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है और दूसरों को भी आगे सहायता। और आज आप फक्र से कहती हैं कि हाँ मैं बेटी हूँ। बिल्कुल, मैं फक्र से कहती हूँ कि मैं बेटी हूँ। चलिए, ये जो इंस्पिरेशन है जो आप सभी को देती हैं, क्योंकि इतनी सब मेहनत के बाद भी, इतनी सब घर में लड़ाइयाँ करने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक प्रेशर थे जो परिवार के जो झेले भी आपने, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस मुकाम तक पहुँच सकती हैं तो जाहिर तौर पर कोई भी बेटी ये कर सकती है अगर वो ठान ले कि उसे ये करना है। बिल्कुल अवंतिका, जब हम ठान लेते हैं तो हमें कोई भी फिर पीछे नहीं छोड़ सकता। चलिए, ज़रूरी है कि आप ठान लें अपने लक्ष्य को ठाने, और अगर आपने एक दृढ़ निश्चय जो है वो कर लिया है तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है आपके लक्ष्य पर आगे बढ़ने से। मैं बेटी हूँ में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करेंगे एक और ऐसी ही बेटी से। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।